जहां राजस्थान में उपचुनाव में किरड़ीलाल मीणा जैसा बड़ा नेता अपने भाई को न जिता पाया हो, जहां हनुमान बेनीवाल जैसा कद्दावर चेहरा अपनी पत्नी को हारने से न बचा पाया हो, वहीं भारत आदिवासी पार्टी जैसी एक नया दल न केवल अपने गढ़ 84 को फिर से जीतती है, बल्कि अब उनके विधायकों की संख्या भी 3 से बढ़कर 4 हो चुकी है। जी हाँ, 84 का परिणाम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार ये चर्चाएं भी चल रही थी कि जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अब भाजपा उसको उसके ही गढ़ में घेरने की कोशिश करेगी। 84 जो कि भारत आदिवासी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, जहां उनके स्टार बॉय सबसे बड़े नेता राजकुमार रोत जीतते आए हैं, अब उसी क्षेत्र में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ये बाड़ेबंदी कर रही थी किस तरह से भारत आदिवासी पार्टी को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया जाए। मगर ये तमाम अनुमान, ये तमाम कोशिशें धरी की धरी रह जाती है, और जो चुनाव परिणाम आता है ये बताता है कि तकरीबन 25,000 वोटों से भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा 84 के चुनाव को जीत चुके हैं। दूसरे स्थान पर भाजपा रहती है। हालांकि आंकड़ों की तमाम बातें की जा सकती है कि किस प्रकार से राजकुमार रोत 1 लाख से अधिक वोट लाए थे, अनिल कुमार कटारा उससे काफ़ी कम वोट ला पाते हैं, किस प्रकार से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत तकरीबन 70,000 वोटों से जीते थे, अनिल कुमार कटारा की जीत मात्र 25,000 तक आ गई है। हालांकि इन बातों से खुश तो हुआ जा सकता है, टीवी या किसी चैनल पर बैठकर अपना बचाव तो किया जा सकता है, मगर धरातल का सत्य ये कहता है कि जिस एक चुनाव में पूरी की पूरी सरकार लगी हो, जहां मुख्यमंत्री बार बार अपने भाषण और उद्बोधन के माध्यम से लोगों को अपने पक्ष में लाने की कोशिशें कर रहे हो, जहां तमाम मंत्री खड़े हो, जहां विधायकों की एक लंबी लिस्ट हो, जहां पूरी की पूरी सरकार इस कोशिश में लगी हो कि चुनाव जीता कैसे जाए, वहां पर भी अगर कोई तीसरा मोर्चा न केवल जीतता है बल्कि 25,000 के अच्छे खासे अंतर से जीतता है, तो ये अपने आप में बहुत आसानी से पता चल जाता है कि धीरे धीरे भारत आदिवासी पार्टी उस क्षेत्र में अपने आप को कितना मजबूत कर चुकी है। हालांकि प्रतिष्ठा भारत आदिवासी पार्टी के साथ साथ राजकुमार रोत की भी दाव पर लगी थी, क्योंकि उनके ही सांसद बनने के कारण ये विधानसभा खाली हुई, यहाँ उपचुनाव हुए, तो ऐसे में अगर वो अपने पार्टी से यहाँ पर विधायक नहीं बना पाते तो सवाल उन पर भी खड़े होते कि आखिर क्या कारण रहा कि राजकुमार रोत अपना विधायक ना बनवा पाए हो। तो इस नजरिए से देखें तो अब रुतबा राजकुमार रोत का भी बड़ा है, प्रभाव भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपना पुनः स्थापित किया, और वो भी उस एक अगर बिंदु से देखा जाए, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए इस उपचुनाव को, कि जहां कांग्रेस अपने 4 में से मात्र 1 सीट बचा पाती है, जहां आरएलपी जैसी एक कद्दावर पार्टी उसके मुखिया हनुमान बेनीवाल की पत्नी तक ना जीत पाती हो, और इस परिस्थिति में भी भारत आदिवासी पार्टी अपनी सीट को अपने कब्जे में बरकरार रखने में सफल हुई है, तो ये एक बड़ी राजनीतिक सफलता है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो फिर अगर सलूम्बर ये 84 के आंकड़ों में अगर अंतर कम हुआ है, तो सलूम्बर के आंकड़ों में फिर भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा कि क्यों वहाँ 13-14 हज़ार की जो जीत थी वो 1200 पे आकर अटक गई। ये तमाम किंतु परंतु चलते रहेंगे, मगर 84 का जो चुनाव परिणाम है वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले समय में जो ये वागड़ का क्षेत्र है, बीते एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि हाड़ौती में किस प्रकार से ये पार्टी अपना प्रसार कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अब ये भी धीरे धीरे किस प्रकार से आगे बढ़ती है, क्योंकि इस चुनाव ने जहां ये दिखाया कि एक तीसरा मोर्चा मजबूती के साथ एक विधायक अपना और बढ़ा देता है, भारत आदिवासी पार्टी 3 से 4 हो गई है, तो इसी चुनाव ने यह भी दिखाया है कि एक दूसरा तीसरा मोर्चा जो मजबूती से लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में दिखाई दिया, आरएलपी आज प्रतिनिधि विहीन हो चुका है, विधायक विहीन हो चुका है। तो आगे की राहों पर हमारी नज़र बनी रहेगी, मगर आज के दृष्टिकोण से, आज के चुनाव परिणाम के दृष्टिकोण से, ये भारत आदिवासी पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता है, जहां बीएपी बनाम बीजेपी के मुकाबले में बाप भारी पड़ती दिखाई दी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।